अस्सलाम वालेकुम और वेलकम है आपका आज की लाइव में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक अल्टरनेटिव डेज पर करते हैं लाइव शाहिद भाई के साथ, एक दिन उनके चैनल पर और एक दिन मेरे चैनल पर। तो कल जो था वो शाहिद भाई नहीं कर सके, तो फिर मैंने बोला कि आज तो मेरे चैनल पर ही लाइव होगी क्योंकि वो आपकी तरफ से मिसिंग हुई थी। बहरहाल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, सिलसिला चलता रहेगा। मकसद हमेशा यही रहा है कि अच्छी बात, सुलझी हुई बात और ऐसी बात जो कम अज कम ऐसी ना हो कि जिससे कल को हमें परेशानी हो कि ये लफ्ज जब हमने बोले थे तो उन पर बाद में पछतावा हो। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी होता है कि आप कोई भी बात कहें तो अकल और समझ के साथ इस जबान को कहीं ना कहीं दिमाग से जरूर कनेक्ट कर लें, क्योंकि जब इस दोनों का कनेक्शन आपस में रहता है तो फिर अच्छे अल्फाज ही मुझसे निकलते हैं। वेलकम करते हैं शाहिद भाई आपको, उम्मीद आप खैरियत से होंगे और सब कुछ ठीक जा रहा होगा। जी सुनाए, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक है। मुझे कोई लगता है कि ग्लिच आ गई है क्योंकि ना तो नीचे कोई कमेंट आ रहे हैं और ना ही लाइव आ रही है। मैं जरा चेक कर लेता हूं कि इतनी देर में लोगों को ज्वाइन आ रहे हैं। जी लोग आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही होगा। वालेकुम सलाम सनिया, कैसी हैं आप? और मीनाक्षी कैसी हो आप, क्या हालचाल है आप लोगों के? जी शाहिद भाई क्या हालचाल है आपके? असल में इस टाइम जो है ना, बहुत सारे लोग जो है, जो पहले चंद लोग करते थे, अब तकरीबन कोई 25-30 चैनल मुस्तकिल जो है वो लाइव करते हैं, तो कई लोग इधर उधर चले जाते हैं, वो देखते रहते हैं कि क्या क्या कहाँ क्या चल रहा है। बाकी आज असल में एक लतीफा हुआ है जो पता चला है कि सीमा ने गुलाम हैदर को भारत ना आने दिया जाए, आतंकवादी है, ये है वो है, इस तरह पता चला, अभी उसकी तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन ये है कि गुलाम हैदर का रास्ता रोकने के लिए उन्होंने जो केस किया था वो एडमिट हुआ है, पता चला है कि बाकायदा उसमें समन भी जारी किए गए हैं। अब मतलब हम हैरान है इस बात पे कि समन किस बुनियाद पर ये जारी किए गए, क्यों जारी किए गए। सीमा के पास कोई ना तो वहाँ का कोई शनाख्त है, कोई आधार कार्ड नहीं है, नेशनलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर जब कुछ नहीं है तो फिर ऐसा क्या हुआ है कि उसका केस एडमिट भी हो जाए और समन भी जारी हो जाए? मतलब कोर्ट में आपको पता है कि जब आपके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स हों तभी आपका कोर्ट में केस रजिस्टर्ड होता है। बात करते हैं तो फिर लोग कहते हैं जी हमें नीचा दिखा रहे हैं। बेसिकली जो चीज नजर आई वो ये है कि कानून की, संविधान की धज्जियां बखेरी जा रही हैं और एपी सिंह और ये सारे मिलके पता नहीं क्यों लोगों को मामू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, या बाकी बड़ी सपोर्ट है और उसके बाद फिर वो सारे सपोर्ट के साथ कानून का खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यकीनन ये भी आपको एक लतीफा ही नजर आया होगा, जब उसका केस नहीं है, जब उनका कोई ऐसा वो नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, शनाख्त नहीं है, तो फिर वो कैसे जो है वो सीमा का केस एडमिट हो जाए और कैसे उसको गुलाम हैदर को, मोमिन मलिक साहब को या दीगर जितने भी लोग हैं उनको नोटिस जारी कर दिए जाए। अच्छा, ये अपडेट इस तरह की दोपहर में पता चली थी, हमने जो है ना जो रब्ता किया था मोमिन मलिक साहब से, मैंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि कोई खास अपडेट नहीं है, 2 बजे के बाद होगा और कुछ तफसीलात हैं जो बता देंगे आपको। तो उसके बाद फिर मैंने एक दफा और मैसेज किए लेकिन उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब वो ये जो केस था उनकी नॉलेज में था नहीं था, अपियर होना था नहीं होना था, समन के बाद जाएंगे नहीं जाएंगे, इसका फॉलो लेना है, फॉलो अप लेना है या नहीं लेना, वो अब मोमिन मलिक साहब जो है आगे जाके बताएंगे।